तो बारी है क्वालिफाई टू की, दो रॉयल्स के बीच में है मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो कौन मारेगा बाजी और पहुंचेगा सीधा फाइनल्स में गुजरात टाइटंस के साथ, वो पता चलेगा मैच के बाद। पर मैच से पहले हम बात करते हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये है एमएसपी वीडियो मैच स्टैट्स प्रीव्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से कर दो, क्योंकि एमएसपी में वो सब कुछ होता है जो मैच से पहले आप जानना चाहते हो। अभी आपका और टाइम नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के साथ। जॉस बटलर यशस्वी जायसवाल ओपनिंग, फॉलोड बाय कैप्टन संजू सैमसन, उनके बाद नंबर आता है देवदत्त पाडिकल का, फिर आएंगे चेमरन हिटमायर, रियान प्राग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल एंड ओबेड मैकॉय। राजस्थान के बाद अब सीधा आते हैं बैंगलोर की तरफ और देखते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रोडक्टेड प्लेइंग 11 कैसे है। फाफ डू प्लेसी विराट कोहली ओपनिंग, फॉलोड बाय रजत पाटीदार, उनके बाद नंबर आता है ग्लेन मैक्सवेल का, महिपाल लॉन्ग्रोन, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, वरिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड एंड मोहम्मद सिराज। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो बोथ द टीम्स हैव फेस्ड ईच अदर इन 27 आईपीएल मैचेस सो फार। राजस्थान रॉयल्स जीता है 11 टाइम्स, 13 टाइम्स जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और 3 मैचेस का को रिजल्ट नहीं रहा। सिंस 2018 10 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी हैं, 4 बार जीता है राजस्थान रॉयल्स, 5 बार जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और 1 मैच का को रिजल्ट नहीं रहा। ग्रुप स्टेज में ये दोनों टीमें 2 बार हो चुकी हैं आमने सामने, 1 बार जीता है राजस्थान और 1 बार जीता है बेंगलोर। मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इन द लास्ट 5 आईपीएल मैचेस ऑफ 159। यहां पर टोटल 17 मैचेस खेले गए, चेजिंग टीम जीती है 9 टाइम्स और हारी है 8 टाइम्स। Let's talk about the milestones that these following players would achieve in this match. Ravichandran Ashwin ko chahiye 2 wickets Piyush Chawla ko piche chhodne ke liye and to become the 5th highest wicket taker in the tournament. Sanju Samson needs 11 runs to complete 3500 runs in the tournament. Prasad Krishna is just 1 game away from appearing in 50 matches in the IPL. Tournament mein 200 fours complete karne ke liye Glenn Maxwell ko chahiye sirf 4 fours. Harshal Patel requires 3 wickets to complete 100 wickets in the tournament. Josh Butler requires 2 sixes to complete 350 sixes in T20 matches. Yuzvendra Chahal ko chahiye sirf 2 wickets Amit Mishra ko peeche chhodne ke liye and to become the 3rd highest wicket taker in the tournament. Virat Kohli requires 4 fours to complete 950 fours in T20 matches. Mohammad Siraj needs 1 wicket to complete 50 wickets for Royal Challengers Bangalore in the IPL. It's time for the most interesting part of the video, players battle. संजू सैमसन वर्सेस वरिंदु हसरंगा। संजू सैमसन ने हसरंगा की 23 डिलीवरीज को फेस किया 18 रन के एंड 5 टाइम्स हसरंगा गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस यूजी चहल। ग्लेन मैक्सवेल ने यूजी चहल की 70 डिलीवरीज को फेस किया 120 रन के और 5 बार चहल ने पेविलियन भेजा है मैक्सवेल को। फाफ डू प्लेसी वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। फाफ डू प्लेसी ने ट्रेंट बोल्ट की 64 डिलीवरीज को फेस किया 62 रन के और 3 बार ट्रेंट बोल्ट ने विकेट लिया है फाफ डू प्लेसी का। विराट कोहली वर्सेस प्रसिद्ध कृष्णा। विराट कोहली ने प्रसिद्ध कृष्णा की 31 डिलीवरीज को फेस किया 56 रन के और 2 बार प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाया। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। ग्लेन मैक्सवेल ने ट्रेंट बोल्ट की 29 डिलीवरीज को फेस किया 26 रन के एंड 2 टाइम्स ट्रेंट बोल्ट गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। संजू सैमसन वर्सेस मोहम्मद सिराज। संजू सैमसन ने मोहम्मद सिराज के 20 डिलीवरीज को फेस किया 21 रन के और 2 बार मोहम्मद सिराज ने उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाया। तो गाइस हमने बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल। आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर राजस्थान रॉयल्स, और आप किसे सपोर्ट कर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इट्स टाइम फॉर मी टेक यू लीव। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो फटाफट से कर दो। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर होकर आना और हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।